है फाइबर्स। क्लास 6 का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो चलिए लेसन प्लान देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, आफ्टर दैट पीरियड। उसके बाद आपको जनरल एम्स लिखने हैं। हेडिंग आपने लिखनी है जनरल एम्स। फिर आपको उसके लिए 5 पॉइंट्स लिखने हैं। वो ऐसे पॉइंट्स जो बच्चों को, मतलब लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, उससे बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जिसमें कि आपको टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, लेवल एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। आपको लेवल जो है 6 लेवल है हमारे, ये देख लीजिए लेवल्स, यहाँ पे लेवल लिखे हुए हैं। लेवल के नीचे आपको हेडिंग्स उनकी लिखनी है, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, और हर एक लेवल के लिए आपको 2-2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तो इसी तरीके से ये पूरी टेबल 6 लेवल्स की आपको बना देनी है। देखिए एनालिसिस लेवल, तो उसके बाद सिंथेसिस लेवल, फिर आता है इवैल्यूएशन लेवल। उसके बाद आपको लिखना होता है मटेरियल एड, जो आपको लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, डस्टर और चार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस नॉलेज, दैट स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट फाइबर्स। अब आता है सबसे हमारा जो मेन हेडिंग है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। उसमें आपको एक टेबल बनानी है, जिसमें आपको पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस की एक टेबल बनानी है। 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं इसमें। जो आपका टॉपिक है फाइबर्स, उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं, जो कि आपके जो है लास्ट पॉइंट क्वेश्चन जो आपका बनता है, उसमें फाइबर्स ही आना चाहिए। जिग्जैग पैटर्न में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी फील इन विंटर्स, वी फील कोल्ड इन विंटर्स। तो देखिए ये जो यहाँ पे रिस्पांस है, ये जो स्टूडेंट्स आपके होते हैं वो आपको रिस्पांस देते हैं, और ये क्वेश्चन आप जो पूछते हैं वो यहाँ क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी वेयर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर इन विंटर्स, वी वेयर स्वेटर्स, स्कार्फ, जैकेट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर इन विंटर्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्वेटर्स, स्कार्फ्स, ग्लव्स इज यूजुअली मेड अप ऑफ व्हाट, तो आंसर बच्चे देंगे कि दे आर मेड अप ऑफ वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, व्हाट इज़ वूल, तो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, वूल इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप। तो फिर आपने क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू नो मोर अबाउट फाइबर्स। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे आ गया, तो इसका आंसर बच्चों ने नहीं दिया। फिर आप जो है अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट फाइबर्स। अब देखिए आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है। ये जो हमारा टॉपिक है फाइबर्स, उसके लिए हमने 3 टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, तो हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको सीरियल नंबर, पीपल टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ये आपको लेफ़्ट साइड वाले पेज पे लिखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में आपको 2 से 3 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन आपको लिखने हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक, हमने टीचिंग पॉइंट है फाइबर, तो 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद आप पूरा जो है बच्चों को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि फाइबर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका जो राइट साइड वाला पेज है उस पर देखते हैं क्या लिखना है। ये हमारा ये जो पहला टीचिंग पॉइंट था फाइबर, उसका ये राइट साइड पेज है, जिसमें आपको टीचिंग मेथड लिखना है, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन आंसर मेथड आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के लिए आप जो है ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये इसी तरीके से ये पूरा मटेरियल एड हो गया और ये ब्लैक बोर्ड वर्क। अब नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो उसके लिए भी आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन बनाने हैं, और 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस के बाद आपको टाइप्स ऑफ फाइबर्स एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये राइट साइड वाले में आपको टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिखना है। अब ये हमारा लास्ट टीचिंग पॉइंट आ गया कॉटन, तो उसके लिए भी हमने 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया और पूरा एक्सप्लेनेशन ये ऐसे दे दिया है। 45 मिनट्स पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो है लेसन प्लान बनाना रहता है, कि उतने में आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाए। उससे पहले भी नहीं कंप्लीट होना चाहिए कि 45 मिनट्स का पीरियड है आपका, 30 मिनट्स में लेसन प्लान कंप्लीट हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। ये उसका जो है कॉटन है, उसके हमारा टीचिंग मेथड हो गया, और ये हमारा मटेरियल एड। अब आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। देखिए हमारे 3 टीचिंग पॉइंट थे, फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर्स और कॉटन, तो उसी से रिलेटेड हमने 3 जो है 5 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, वही जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड बनाने हैं। पहला है व्हाट इज़ फाइबर, दूसरा व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फाइबर्स, थर्ड इज़ व्हाट इज़ गिनिंग, फिर व्हाट डू यू कॉल द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। अब जो ये क्वेश्चंस हैं पांच, उनका ये पांच क्वेश्चंस हैं उनका जो आपको आंसर ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे लिखना है। नीचे इसके ब्लैक बोर्ड समरी लिखनी है, उसमें ये पूरा आपको आंसर इसके लिखना है। नेक्स्ट आ गया हमारे रिकैप्चुलरी क्वेश्चन। रिकैप्चुलरी में आपको 5 ट्रू या फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए यहाँ पे 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं और 2 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लास्ट में आता है हमारा होमवर्क, ये आपको लास्ट में यहाँ पे होमवर्क दे देना है।